माथे का सिंदूर, गले का मंगलसूत्र, हाथ की मेहंदी और पांव का महाबल, सब कुछ उजड़ गया। सजना सवरना सब कुछ भूल गई, लेकिन वो एक बात नहीं भूली, लोगों के जूते चप्पल सवारना। ये दास्तां उस पत्नी की है जिसके पति का लगभग 22 से 23 साल पहले निधन हो गया, जिसके कारण वह और गरीब हो गई। कम उम्र और उस दौर के छोटे छत्तीसगढ़ के गांव नारायणपुर में दो बच्चों की परवरिश करना मानो पहाड़ ढोने जैसा था, लेकिन वह नाराज नहीं हुई और ना ही किसी से खफा हुई। ये बातें आज कुंतीबाई ने समाचार एक्सप्रेस के संवाददाता से बातचीत करते समय बताई, जो कि मोची का काम पति की मौत के बाद 21 सालों से करती आ रही है। कुंतीबाई ने लॉकडाउन के चलते मिली छूट में आज अपनी मोची की दुकान खोली थी। एक माह बाद आज खोली दुकान से 2 घंटे में ही जूता चप्पल मरम्मत कर 100 रुपए कमाने की बात बताई। कोरोना और लॉकडाउन के चलते कुंती की भी दुकान लगभग 1 माह से ज्यादा वक्त से बंद थी। उसे अब नकदी की समस्या होने लगी थी। शासन के निर्णय से यह रहा आसान हुई। उनसे पूछा गया, उसने पूछा कि साहब क्या जूते व चप्पल से भी हमारी ये बीमारी होती है? रिपीट। उसने पूछा साहब क्या जूते व चप्पल से भी ये बीमारी होती है? हमारी दुकान भी बंद कर दी। तब संवाददाता ने समझ गया कि कोरोना वायरस संक्रमण फैलने की बात कर रही हैं, जिस पर संवाददाता ने कहा कि हाँ फैल सकता है अगर सावधानी नहीं बरती जाए। बातचीत में पूछ लिया कि सरकार ने गरीबों के लिए 2 माह का मुफ्त राशन दिया है, मुझे भी 70 किलो चावल मिला है, जरूरत पड़ने पर और देने की बात भी कही है, अलग से दाल चावल तेल मसाले गुड़ आलू प्याज भी मिले हैं, झूठ नहीं बोलती साहब, कुछ जरूरत के लिए नकदी भी चाहिए की बात भी कही। अब दुकान खुल गई है, नकदी की भी समस्या दूर हो जाएगी, वो जूते के काम में लग गई है। कुंतीबाई कहती गई कि उसका पति जूते चप्पल की मरम्मत बहुत बारीकी से और जूतों की पॉलिश चमकदार करता था, पता नहीं चलता था कि इनकी सिलाई हुई है या मरम्मत। कुछ जूते भी बना लिया करता था जिसे वह हॉट बाजार में बेच दिया करती थी। शौकीन था पीने का पर जल्दी चला गया। गहरी लंबी सांसों को छोड़ते हुए उसने यह कहा। पॉलिश का काम करती हुई वह बोलती रही और संवाददाता जी सुनते रहे। पति का अफसोस कुछ सालों तक रहा। जब कोई महिला पांव से चप्पल उतार कर सुधरवाने या पॉलिश करने देती तो उसके पांव में लगे महावर से पुरानी यादें आ जाती थी। उसकी दर्द भरी दास्ता को महसूस कर सकते थे। वह कहना चाह रही थी कि साहब मुझे भी साज श्रृंगार करना महावर मेहंदी लगाने का बहुत शौक था, लेकिन ऊपर वाले का यह ज्यादा दिन मंजूर नहीं था। एक शहर बनता है उसके शहरवासियों से, उसकी जनता से। अगर हम नहीं सुधर सकते तो शहर कैसे सुधरेगा? जो लोग कई वर्ष पहले शहर छोड़कर गए हैं वो कभी आते हैं तो कभी उनके मुंह से यही निकलता है कि यह शहर वैसा ही है, लेकिन यह धारणा नारायणपुर शहर के लिए सही नहीं है। कुंतीबाई इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि उसने मास्क लगाकर अपनी मोची की दुकान खोली। नारायणपुर से संवाददाता ज्ञानलाल मरकाम की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.